आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। कोविड 19 कोरोना वायरस महामारी के चलते हर कोई इस लड़ाई में अपना अलग अलग तरीके से योगदान देने में लगा हुआ है। हम इस समय खड़े हुए हैं यूपी के सीतापुर के एक छोटे से गांव रानीखेरा में, जहां पर एक 85 साल की वृद्ध महिला ने भी मदद के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इस महिला ने कोरोना लड़ाई के चलते किस तरह से अपना योगदान दिया है। विकासखंड गोंदला माओ के कोदिकापुर मजरा रानीखेरा की रहने वाली 85 वर्षीय वृद्ध महिला पराना ने कोरोना वायरस की महामारी की लड़ाई में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। वृद्ध महिला के कदम उम्र के साथ भले ही लड़खड़ा रहे हों, लेकिन उसके मजबूत इरादों के चलते उन लड़खड़ाते हुए कदमों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिसके चलते आज पराना ने अपनी पेंशन व फसल से मिली रकम से लॉकडाउन के दौरान घरों में रह रहे 100 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की। यह खाद्य सामग्री उन्होंने SDM मिश्रिक राजीव पांडे की मौजूदगी में वितरित की। इतना ही नहीं, पराना के द्वारा वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने खाद्य वितरण में 15 किलो के कैरी बैग में 10 किलो चावल, 5 किलो दाल उपलब्ध कराई है। इस खाद्य सामग्री को वितरित करने में करीब 1,00,000 रुपए का खर्च आया है। वृद्ध महिला पराना का कहना है कि उनका बेटा 10 साल की उम्र में साधु हो गया था, जिसके बाद से वो अपनी पेंशन और फसल की रकम को उसके आश्रम में लोगों के भोजन के लिए भेजती रही हैं। लॉकडाउन के दौरान वो अपने बेटे के पास न जा सकी, इसलिए उस धनराशि का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए 100 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की है। 10 किलो चावल, 5 किलो दाल और बांट दिया। हमारे पास पैसा इतने थोड़े बड़े तो रख गए, हम दान करे आनंदपुर लड़का हमारा है तो वहाँ हम जा नहीं पाया, बंदी लगी रहे। तो सोमनाथ महात्मा ने कहा मम्मी बांट दो, वहाँ दान कर दो अनुदान। तो हमने बांट दिया, DM SDM सबके हाथ लगा आए गए बुलाए गए तो पैसा थोड़ा बड़ा था हमारे पास, तो इसीलिए हमने यहाँ गरीबों को यहाँ बांट दिया। 1,00,000 लगता है राशन बांटा, 1,00,000 रुपए का राशन बांटता हूँ। हाँ जी, क्या स्थानीय SDM भी यहाँ पे आए थे आप? हाँ, SDM जी आए रहे यहाँ, हमारा SDM, हम दोनों लोग हाथ मिला के बांटा।